स्टूडेंट इलस्ट्रेशन नंबर 1.5। यहाँ पे मैंने क्वेश्चन नहीं लिखा है, लेकिन मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, बोल देता हूँ कि इसमें क्या ढूंढना है और क्या दिया है। देखो, दो स्पीयर दिए हैं, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है आर है, वो दिया है बुक में 10 सेंटीमीटर है। अब ये दो स्पीयर के बीच में जो फोर्स लगता है वो कितना है, एफ जितना फोर्स लगता है। ओके, उसके बाद हम क्या कर रहे हैं कि ये दो स्पीयर के चार्ज, हाँ ये दो स्पीयर के पास चार्ज भी है, इसके पास भी क्यू चार्ज, ये स्पीयर के पास भी स्टूडेंट इतना चार्ज है, क्यू चार्ज है। अब देखो यहाँ पर ये एक एक कॉन्टेक्ट में एक तीसरा स्पीयर लेके आता हूं जिसके पास चार्ज नहीं है, इसके पास चार्ज था कितना क्यू, और इसके पास चार्ज नहीं है जिसका नाम है स्पीयर सी। अब क्या होगा, तो ये जो स्पीयर है वो उसके पास चार्ज कितना था, क्यू था, इसके पास चार्ज नहीं है, तो क्या होगा, चार्ज एवरेज हो जाएगा। देखो इसके पास कितना चार्ज था पहले, क्यू था, इसके पास चार्ज कितना है, जीरो। एवरेज कैसे करते हैं, तो इसका चार्ज प्लस इसका चार्ज डिवाइडेड बाय टू, कितना हो गया क्यू बाय टू, तो दोनों पर चार्ज अब कितना बचता है, दोनों के पास अब क्यू बाय टू, क्यू बाय टू, जब ये दोनों को कांटेक्ट में जब हम लाते हैं तब। बी के पास भी कितना चार्ज है, क्यू चार्ज है, और उसके पास हम एक और जिसका नाम है स्पीयर डी, जो वो भी अनचार्ज है, उसके पास चार्ज नहीं है, वो कॉन्टेक्ट में आता है, तो ये इसके पास चार्ज जीरो है, तो ये दोनों के पास चार्ज कितना हो जाता है, तो एवरेज करना पड़ता है। कैसे एवरेज करते हैं, तो इसका चार्ज Q प्लस इसका चार्ज जीरो डिवाइडेड बाय टू, तो हो गया Q बाय टू। अब ये दोनों के पास, ये चारों के पास कितना चार्ज हो गया, Q बाय टू, Q बाय टू, Q बाय टू एंड Q बाय टू। उसके बाद स्टूडेंट पूछा क्या गया है, अब ये जो स्पीयर है, स्पीयर ए, स्पीयर ए है, उसके पास अब चार्ज कितना है, क्यू बाय टू, क्यू क्यू बाय टू हो गया, आधा ले गया, कौन आधा ले गया, जो स्पीयर सी था वो आधा चार्ज ले गया है, और जो स्पीयर बी है उसके पास चार्ज कितना बचता है, तो उसके पास भी जो चार्ज है वो क्यू बाय टू बचता है, क्यू क्योंकि आधा ले गया है स्पीयर डी। ओके, अब ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस पहले था कितना था, डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर, अब दोनों के बीच का डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर, मींस आधा कर देते हैं, तो ये दोनों के बीच में फोर्स कितना होगा वो आपको ढूंढना है। तो यहां पर हम ढूंढेंगे आपको एफ डैश ढूंढना है, तो देखो सॉल्यूशन, ये दो स्पीयर थे, फर्स्ट कंडीशन ये है और लास्ट कंडीशन, ये सब करने के बाद जो लास्ट कंडीशन हमें मिलती है वो ये वाली मिलती है, तो हमें ये दो ही देखना है। तो देखो ये दो स्पीयर के बीच में लगने वाला फोर्स कितना होगा, अकॉर्डिंग टू द कूलम्स लॉ, एफ इज इक्वल टू के, एक का चार्ज क्यू, दूसरे का चार्ज क्यू, मींस क्यू स्क्वायर अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर आर स्क्वायर, ये है इक्वेशन नंबर वन। ओके, अब उसके ये दोनों के स्पीयर में फोर्स कितना लगता है, तो यहां पर लिखा है एफ डैश, तो एफ डैश इज इक्वल टू के, ये स्पीयर के पास क्यू बाय टू, दूसरा वाला स्पीयर के पास क्यू बाय टू, और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना हो चुका है, हाफ आधा, मीन्स आर बाय टू का स्क्वायर। तो यहां पर स्टूडेंट के क्यू स्क्वेयर अपॉन फोर, फोर डिवाइड में आ जाएगा ये वाला, और यहां पर भी आर स्क्वेयर, आर स्क्वेयर बाय फोर हो गया, तो ये फोर फोर कैंसिल हो गए, एक तो मिला के क्यू स्क्वेयर बाय आर स्क्वेयर। इक्वेशन नंबर टू, दोनों का रेशियो ले लो, तो फ्रॉम रेशियो ऑफ इक्वेशन वन एंड टू कितना मिलेगा, तो एफ बाय एफ डैश इज इक्वल टू के क्यू स्क्वेयर अपॉन आर स्क्वेयर, और ये डिवाइड में है इसीलिए उसका उल्टा करना पड़ेगा, तो के क्यू स्क्वेयर।
पूरा निकल जाएगा तो आपको मिलेगा वन। उसका मतलब एफ इज इक्वल टू क्या मिला, एफ डैश मीन्स एफ डैश इज इक्वल टू एफ है, ये हमारा जो रिजल्ट था वो मिला एफ डैश इज इक्वल टू एफ। उसका मतलब ये होता है कि अगर चार्ज को हाफ हो गया, देखो चार्ज हाफ हो गया, अगर चार्ज को हाफ कर दे और डिस्टेंस को भी हाफ कर दे तो पहले जितना फोर्स लगता था इतना ही फोर्स बाद में लगेगा। तो स्टूडेंट ये था एग्जाम्पल नंबर 1.5।